प्रवक्ता टेक्सटाइल डिजाइन राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगानेर। आज आपको मैं सटिन एंड साटिन वीव के बारे में बताऊंगा। तो सटिन एंड साटिन वीव जो है वो तीसरी बेसिक वीव है। जैसे बेसिक वीव आपकी जो तीन प्रकार की है, प्लेन, ट्विल, सटिन साटिन। तो सटिन साटिन जो बेसिक वीव है वो थर्ड नंबर की है। इसमें आपका सटिन एंड साटिन, सटिन आपकी वेब फेस होती है और साटिन आपकी वार फेस होती है। इनको ग्राफ पेपर पर किस प्रकार बनाएंगे वो आज मैं आपको बताऊंगा कि सटिन एंड साटिन भी ग्राफ पेपर पर किस प्रकार से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सटिन एंड साटिन व्यू के बारे में बताता हूँ। सटिन एंड साटिन व्यू तीसरी बेसिक व्यू है। इसको कम से कम इसको बनाने के लिए 5 एंड 5 पिक्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे जो सटिन एंड साटिन व्यू है वो 5 एंड्स की हो गया। तो देखिए 5 एंड्स की सटिन एंड साटिन व्यू किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले 2, 4 और 5, 2, 4 और 1, 5 ये आपका 5x5। अब सबसे पहले सटिन साटिन बनाने के लिए अपन को काउंटिंग नंबर या मूवमेंट नंबर वो अपन को निकालना पड़ता है कि कौन से काउंटिंग नंबर या मूवमेंट नंबर से अपन इसको बनाएंगे। तो उसमें देखिए सबसे पहले आप यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 5x5 किए तो 5 तक की आपने यहां पर संख्या लिख दी। अब सटिन साटिन बनाने का रूल है कि इसमें काउंटिंग नंबर 1 भी नहीं दिया जाता और एन भी नहीं दिया जाता। एन मतलब लास्ट संख्या, उससे एक कम ये भी नहीं रख सकते। तथा उस टोटल संख्या में जो जैसे 5 एंड 13 है तो 5 में अगर जिस संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है वो भी नहीं आता। तो देखिए अब इसमें काउंटिंग या मूवमेंट नंबर 1 भी नहीं हो सकता, एन यानी 5 भी नहीं हो सकता, एन माइनस 1 यानी उससे 1 कम भी नहीं हो सकता। काउंटिंग नंबर या मूवमेंट नंबर कौन सा रखेंगे इसमें, या तो 2 रखेंगे या 3 रखेंगे। तो देखिए मैंने वहां पर काउंटिंग नंबर रखा 2, तो काउंटिंग नंबर 2 और किधर वेब फाइव। तो उसे किस प्रकार से बनाएंगे हम, यहां पर मैंने मार्क लगाया। अब काउंटिंग नंबर 2 लीजिए, 1, 2 यहां आएगा, उसके बाद में 1, 2 उसके बाद में आगे डिजाइन नहीं है तो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से 1, 2 और उसके बाद में 1, 2। डिजाइन आपकी सही बनी है या नहीं बनी है इसको देखने के लिए आप इस डिजाइन को देखिए। इसमें किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में वह एक क्रॉस के अलावा कोई भी क्रॉस नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आपकी डिजाइन सही है। अगर किसी लाइन में चाहे आप वर्टिकली देखें चाहे हॉरिजॉन्टली देखें अगर डबल क्रॉस अगर आ जाता है तो इसका मतलब आपने सटिन साटिन व्यू सही निकले। तो ये इसको पहचानने की वो है कि आपकी व्यू है वो सही बनी है या नहीं बनी। अब इसका जो ड्राफ्ट है वो देखिए, पहले लाइन पहला एंड्स के लिए फर्स्ट फ्रेम, दूसरे एंड्स के लिए सेकंड फ्रेम, थर्ड एंड्स का जो लिफ्टिंग बार है वो अलग अलग के लिए थर्ड फ्रेम, फोर्थ के लिए फोर्थ और फिफ्थ के लिए फिफ्थ। इसका जो पैड प्लान है 1, 2, 3, 4, 5 हम जानते हैं किसी भी डिजाइन का अगर ड्राफ्ट स्टेट है तो उसका जो पैड प्लान है सेम डिजाइन जैसा ही होता है।
तो ये हो गई आपकी फाइव एंड सटिन। अब इसको सटिन को अपन साटिन बनाना है, सटिन से साटिन बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए, यहां पे 3, 2, 5 इधर ये इसका ड्राफ्ट और ये टेट्रा। तो देखिए साटिन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये तो है आपकी साटिन। अब इसको साटिन में कलर करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जहां जहां ये मार्क लगे हुए हैं वहां पर अपन ब्लैंक रखेंगे, 1, 2 ये भी ब्लैंक रहेगा, 1, 2 ये भी ब्लैंक रहेगा, 1, 2 ये ब्लैंक रहेगा, 1, 2 ये ब्लैंक रहेगा, और बाकी इनके अलावा जो है पढ़ उसको अप कर देंगे। इसमें आपका तो ये हो गई आपकी साटिन 5x5 की SATIN साटिन बी। ये सटिन थी, ये साटिन थी, इसमें भी आपका काउंटिंग नंबर 2, इसमें भी आपका काउंटिंग नंबर क्या है 2। तो ये देखिए जहां पर इसमें मार्क्स है वहां इसमें ब्लैंक है, और जहां खाली है वहां इसमें मार्क्स है। तो ये कहलाएगी आपकी वेब फेस और ये कहलाएगी आपकी वार फेस, क्योंकि इसमें वार फेस साइड ज्यादा दिख रहा है और इसमें वेब फेस साइड ज्यादा दिख रहा है, इसलिए ये कहलाएगी वेब फेस और ये कहलाएगी वार फेस। इसका जो ड्राफ्ट है वो स्ट्रेट बनेगा और पैक प्लान आपका सेम डिजाइन जैसा। ये इसका फैक्ट्रा, ये कहलाएगा आपका फैक्ट्रा, ये आपका डिजाइन और ये आपका ड्राफ्ट। तो ये सटिन और ये साटिन कितने हेड्स की, 5 हेड्स की। सटिन भी, सटिन और साटिन भी आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक होती है आपकी रेगुलर और एक होती है आपकी इरेगुलर। रेगुलर का हम ऑड और इवन नंबर दोनों पे बना सकते हैं, जबकि जो आपकी इरेगुलर सटिन साटिन है वो हमेशा इवन नंबर के थ्रेड्स पर ही बनेगी। तो ये आपकी 5 हेड्स है, इसी प्रकार से हम 6, 7, 8 आगे जितनी भी संख्या आप लेना चाहते हो वो बना सकते हैं। तो सटिन साटिन वीव का ये आपका जो है 5 हेड्स का है, ये कंप्लीट है। अब इसमें आप नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हो 7 हेड्स का भी, 8 हेड्स का भी, ठीक है। और किसी को कोई चीज इसमें पूछनी है तो पूछ सकते हो। तो थैंक्स आज के लिए, आगे नेक्स्ट टर्न पे आपको अगला टॉपिक लेंगे।